दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम मेडिकोज दौलतपुर चौक ऊना। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त जिला कांग्रेस कमेटी के साथ अहम बैठक में भाग लेने के लिए ऊना पहुंचे। ऊना पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संजय दत्त का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सह प्रभारी ने जहां कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया, वहीं सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता के बदौलत उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बल्कि जनता ने ही भाजपा को सिरे से नकार दिया है। ये मसला ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं है, ताकत इन्होंने पूरी लगा दी लेकिन जनता ने नकार दिया। उनका कहना है कि हमें समय से अलर्ट मिल गया है, अब जो संगठन को जो है वो मजबूत किया है। ऐसा है कि जो अभी हुआ है वही भविष्य में होने वाला है, और जितना मर्जी इम्प्रेशन देने की कोशिश करें, आज भी कहा है कि ये जो है श्रद्धांजलि की वजह से है, जीते हैं, सहानुभूति से जीते हैं, लेकिन कुल मिला के ये सरकार जो है हिमाचल के लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, इस सरकार को नकार दिया है, और इस सरकार ने 4 साल के दौरान जनता के लिए कोई काम नहीं किए हैं। उसकी पृष्ठभूमि में जो है ना कारगुजारी है कि सरकार ने प्रदेश के जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए काम नहीं किया, उसकी वजह से इन्हें हटाया गया है। जो अभी हुआ है वो ही अगले लॉट में भी होना है। पहला इंजेक्शन लग गया है, दूसरा लगना है और उसकी जनता तैयारी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के वजह से वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो एकजुटता दिखाई उससे ये निर्णय आया। हमने तो चुनाव के दरमियान ही कहा था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार वर्सेस आम जनता है, और कांग्रेस पार्टी आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, और उसका रिजल्ट जब सामने आया तो स्पष्ट हो गया। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई के मुद्दे का चुनाव प्रचार के दरमियान मजाक उड़ाया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। तो पिछले 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 साल से हिमाचल में जयराम ठाकुर जी की भाजपा सरकार है, लेकिन वो पुरानी सरकारों को जो है अगर दोष दे रहे थे तो पिछले 7 और 4 साल में क्या वो तालियां बजाने का काम कर रहे थे? ये दायित्व उनका था। और महंगाई जो आज है, बेरोजगारी जो आज बढ़ गई है, जो कोविड के काल में लोग शहीद हुए, हमारे किसानों को अत्याचार सहना पड़ा और वो भी 800 किसान शहीद हुए, ये सारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों का जो है उपज है। अगर बात की जाए, 1 साल रह गया है जयराम सरकार का, तो अक्सर जो है वो विपक्ष चार्जशीट जो है वो मौजूदा सरकार के लिए देता है, तो क्या इस बार भी कोई चार्जशीट जो है तैयार की जाएगी? इतनी बड़ी चार्जशीट है कि उसके लिए जो हमारे प्रदेश कांग्रेस ने समिति बनाई है उनको एक बुकलेट निकालनी पड़ रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से ले के जो निष्क्रिय इनका कार्य रहा है और विफलताएं रही हैं, वो सारी बातें उस चार्जशीट के रूप में जो समिति बनाई गई है वो उजागर करेगी, उचित समय पे उसे डिक्लेयर करेगी। संजय जी, कांग्रेस अक्सर जो है वो पहले चेहरा जो है वो सामने रखती है चुनाव, तो क्या इस बार भी चेहरा पहले रखा जाएगा? कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में जब चुनाव लड़ती है तो वो हमारे आदरणीय सर्वोच्च नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। हमारे जो हिमाचल कांग्रेस में भी कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हमारा केंद्र बिंदु है, और वो डट के हर प्रचार हर आंदोलन में भाग ले रहा है। सभी नेताओं का सहभाग
उनमें दिख रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जितेंद्र कंवर के साथ मोनेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदे दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।